तो मॉर्निंग में हमारी ऑनलाइन क्लासेस हो गई, होमवर्क कर लिया और वो सब कंप्लीट है। तो फिर ना अभी जैसे ना हमारा ना जैसे स्ट्रॉबेरी का सीजन चल रहा था, स्ट्रॉबेरी शेक पीने का मन कर रहा था, तो वो हम खुद बना रहे हैं। सो वी हैव अ प्लेट ऑफ स्ट्रॉबेरीज है, सो पहले इनको फटाफट काट लेते हैं। मैं ग्रीन ग्रीन उतार रही हूँ और दीदी कट कर रही है। दृश्या पहले आप स्ट्रॉबेरीज डालो जार में और फिर मैं मिल्क डाल दूंगी। हेल्प करूं? नहीं। ठीक है, तो अब मिल्क डाल देते हैं। पहले थोड़ा सा ही मिल डालना है, उसके बाद जब सारी स्ट्रॉबेरीज क्रश हो जाएंगी फिर बाकी सारा मिल्क ऐड कर देंगे। आपने शादियों में तो जनरेटर पे डांस करते हुए लोग तक देखे होंगे। ये हमारे पास है जो मिक्सी की आवाज पे डांस करती है। देखो सारी स्ट्रॉबेरीज क्रश हो गई। चलो अब जो बाकी मिल्क है वो इसमें ऐड कर देते हैं और फिर एक बारी और मिक्सी चला देते हैं। फिर अपना स्ट्रॉबेरी शेक रेडी। ये देखो स्ट्रॉबेरी शेक रेडी। अगर आपको मीठा अच्छा लगता है तो आप थोड़ा शुगर भी ऐड कर सकते हो, हमको ऐसे ही पसंद है। दृश्या लेट्स एंजॉय। यम्मी, देखा कितना इजी है, आप भी खुद ये बना के ट्राई कर सकते हो। और अब ना हम अपने बुकशेल्फ ऑर्गेनाइज करने वाले हैं। ये वाला काम बहुत दिनों से पेंडिंग था, तो देखो ये दृश्या का बुकशेल्फ कितना मेस्ड अप है और मेरी बुकशेल्फ का तो क्या बताऊं। तो चलो फटाफट ऑर्गेनाइज करते हुए मैं आपको कुछ हमारी फेवरेट बुक्स भी दिखाती। तो हमने दृश्या का ना बुकशेल्फ जो है इसलिए नीचे एक चीज के लिए रखा है, क्योंकि दृश्या बार बार ही ऊपर चढ़ेगी उसको मुश्किल होगा, मेरा तो वैसे नॉर्मली हाथ पहुंच जाता है, तो फिर दृश्या को यहाँ से आसानी हो लेने में इसलिए नीचे ही रखा है। मुझे दीदी की हेल्प करनी है इसलिए मुझे ऊपर चढ़ना पड़ता है। काम करते हैं, सारी बुक्स निकाल के ना बेड पे रख देते हैं। पता नहीं बॉल कहाँ से आ गई, अभी बाद में रखेंगे इसको। सारी बुक्स ना गिर ही जा रही है। माय गॉड कितना कचरा हो रहा है, पता नहीं क्या क्या सामान पड़ा है यहाँ। दृश्या बहुत ही गंदा हो रहा है, तो मैं डस्टिंग का कपड़ा लाती हूँ, फिर हम दोनों क्लीन कर देंगे। पहले ना ये वाली सेक्शन की बुक्स लगा लेते हैं, वरना ना अगर ऊपर वाले सेक्शन की भी बुक्स निकाल लेंगे ना तो सब मिक्स हो जाएगा और काम बढ़ जाएगा। तो अभी ये वाली जो सेक्शन की बुक्स हैं अच्छे से सेग्रीगेट करके इनको अलग अलग सेक्शन में डिवाइड करके फिर अच्छे से लगा लेते हैं। दृश्या पहले ना मुझे एक साइड पे सारी कृष्णा बुक्स दे ढूंढ ढूंढ के। दृश्या के सेक्शन में ना मेरी भी थोड़ी सी एक दो बुक्स है, एक सिर्फ एक दो बहुत ही कम। अब हमने बुक्स अलग अलग सेक्शन में डिवाइड करी है, तो ये छोटी है, ये बड़ी है और वो कृष्णा राम है, और ये सारी कृष्ण जी और राम जी की बुक्स है। फिर ये जो एकदम छोटी छोटी बुक्स होती है ना एसो फैबल्स फेरी टेल्स वाली, वो है ये,
और ये सारी बड़ी बुक्स हैं, देन दीज आर हॉरिजॉन्टल बुक्स, और ये सारी वर्टिकल लाइक मीडियम साइज की बुक्स हैं। सो ये फाइव सेट्स बना लिए, अब हम इनको लगा लेंगे। ये सारी बड़ी बुक्स हैं, पहले इनको लगा देते हैं। सो दृश्य के पास टू बार्बी बुक्स हैं, फिर इसके पास ज़्यादातर जो एनिमल से रिलेटेड होती है ना वो वाली बुक्स भी हैं, एंड मैनी मोर। एक क्रिसमस की भी स्टोरी है, फिर हैंसल एंड ग्रीटल, ये जीसस क्राइस्ट की स्टोरी है, एसा फैबल्स, द थ्री लिटिल पिग्स, ये सारी बड़ी बुक्स ऐसे तो फिट नहीं आ रही है, थोड़ा सा स्लैंट करके लगाना पड़ेगा। ये सारी कृष्णा बुक्स है, ये सारी जितनी भी बुक्स हैं कृष्ण जी की पास्ट टेंस की बुक्स हैं, लाइक जब कृष्ण जी ने गोवर्धन हिल उठाई थी, जब उन्होंने कैसे कुसुम सरोवर बनाया, फिर दामोदर की जो उनकी लीला हुई थी वो कैसे उनका नाम पड़ा, और बहुत सारी है। ये वाली बुक्स ना इस सेंट पे रख देते हैं। ये वाली और स्टोरी बुक्स है, सारी हॉरिजॉन्टल वाली, लाइक दिस। दिशा, आपकी इसमें से सबसे फेवरेट बुक कौन सी है? ये वाली, द सेवेंजर हैंड। अब ये सारी जो बुक्स है ना, ये दृश्या पढ़ चुकी है, अब दृश्या के लिए ना बहुत छोटी हो गई है दृश्या, अब बड़ी हो गई है इन चीज़ों से, लेके कलर्स और नंबर्स की बुक्स है, तो अभी ना किसी लाइक छोटे बच्चे को दे देंगे हम। देने वाली बुक्स ये बैग में डाल दी है, और देखो मेरे बुकशेल्फ में इतनी सारी जगह हो गई है। चलो डॉल और टेडी रख देते हैं। देखिए दृश्या, मैंने तेरा पूरा बुकशेल्फ लगाने में हेल्प की, और बहुत अच्छे से भी लगाया, तो तेरे को मेरा बुकशेल्फ लगाने में मेरी हेल्प करनी पड़ेगी। ठीक है ना, बस मुझे क्या मिलेगा? देखो ना कितनी चलाक बनती जा रही है ये। चलो बुक्स उतार लेते फटाफट। दृश्या तू नीचे ही रहे, मैं ऊपर चढ़ के उतारती हूँ। अरे मैं भी उतार। दृश्या गिरा मत देना सामान, अगर गिरा होगी तो पता चलेगा। अभी ऐसे ड्रूम। ओह माय गॉड, पूरा एक्सप्लोड ही हो गया। चलो अब नीचे चले जाते हैं। ये ना इस सेक्शन में मम्मी पापा की बुक्स हैं, तो मैं इनको टच नहीं करती हूँ। जिन मम्मी स्केलेटन के भी थ्री सेक्शन बनेंगे, थ्री पार्ट्स। जेरनोमी स्केलेटन की 30 बुक्स हैं, पहले इनको शेल्फ पे लगा देते हैं, और मम्मी ने हमको प्रॉमिस करा है कि हमारी आज इतनी मेहनत लगी है ना तो कुछ यम्मी डिनर मिलेगा, तो चलो गैस करो क्या मिलेगा, क्या मिलेगा? बस मैं गिर ना जाऊँ इसे उठा। अब ना मैं दीदी को बुक्स दूंगी। हाँ देखो मुझे बुक्स दे। चलो मैं आपको अपनी बुक्स दिखाती हूँ। दिस इज द अर्थ एंड स्पेस कलेक्शन, इसमें वेदर, इंसेक्ट, जो सी की अलग अलग प्लेट्स होती हैं वो कितना डीप तक जाता है, और कौन से सी क्रीचर्स कौन से सी क्रीचर्स को खाते हैं, और ये सब पूरा इसमें बताया हुआ है। देन आई हैव सुधा मूर्ति की 3 बुक्स, रॉहिल ढाई की 3 बुक्स, द विशिंग चेयर कलेक्शन, ये एनेट ब्लैटन से है, और मेरे पास ऐसी बहुत सारी स्टोरी बुक्स हैं। और मैं ज़्यादातर ना बुक्स परचेज नहीं करती, क्योंकि कितना खरीदूं और कहाँ रखूं,
तो लाइब्रेरी मम्मा ना लाइब्रेरी से ही एक्सचेंज करके लाती रहती है मेरी बुक्स, तो मैं आपको ना अभी वहाँ से अपनी बुक्स ला के दिखाती हूँ। तो मम्मी आज लेके आई है मेरी लाइब्रेरी से। मैं ये डॉर्क जो मैं आपको अपनी एक वीडियो में दिखाई थी ना, मैं टू डॉर्क डायरीज लाई थी, मैंने उसकी एक और बुक लाई है क्योंकि मुझे बहुत ही इंटरेस्ट आया। इट्स नेम इज डॉर्क डायरीज टीवी स्टार और ये रॉयल ढाई की ही एक और इतनी मोटी स्टोरी बुक है। लाइक इसमें ना 4 स्टोरीज है अलग अलग, सो इसलिए बहुत ही मोटी है। सो आई एम ऑन द फर्स्ट, आज मैंने स्टार्ट करी है द विचेस। सो आई हैव नेवर रेड द स्टोरी एंड इट्स वेरी अमेजिंग, डू ट्राई इट। हम दोनों की बुकशेल्फ लग गए हैं रेडी। अपना बहुत आज मेहनत हो गई है, बहुत अपना बहुत भूख बहुत ही तेज लग रही है, तो चलो किचन में चल के देखते दे क्या बना है। ब्रोकली सूप, फ्राइड राइस एंड सोयाबीन नगेट्स, यम्मी यम्मी डिलीशियस। साइकिलिंग टाइम, और कोई भी नहीं है नीचे। That's all for today's video. Good night. Have sweet dreams. So, अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय बाय।